हेलो एवरीवन कैसे हैं आप हमारा चल रहा है साइंस का चैप्टर नाइन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम करेंगे इसका पार्ट फोर जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं व्हाट आर होमोजाइगस ऑर्गेनिजम्स होमोजाइगस ऑर्गेनिजम या इंडिविजुअल वो होते हैं जिनके सेम या फिर आइडेंटिकल फैक्टर्स होते हैं किसी भी कैरेक्टर के जैसे कि हम एग्जाम्पल लें तो टॉलनेस के लिए डबल टी कैपिटल में और डॉफनेस के लिए डबल टी स्मॉल में ठीक है और होमोजाइगस इंडिविजुअल जो है उन्हें प्योर फॉर दैट करेक्टर कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि वो ट्रूली ब्रीड करते हैं और अगर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ ब्रीडिंग की बात करें तो जो न्यू बॉर्न प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल उनके सिमिलर रहता है इसीलिए तो बोलते हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की सिमिलर इंडिविजुअल्स नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म वेरिएशन एंड एक्वायर्ड वेरिएशन यहां वेरिएशन और एक्वायर्ड वेरिएशन के बारे में बात की गई है वेरिएशन वेरी एक हो गया एक्वायर्ड और दूसरा क्या होता है जेनेटिक यानी कि यहाँ वेरिएशन क्या हुआ जेनेटिक वेरिएशन यानी इनहेरिटेड जो हमारे पास कैरेक्टर्स आते करेक्ट्रिस्टिक्स आते हैं उनमें जैसे वेरिएशन होती है तो इनमें क्या रहता है कि डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चरल फंक्शन बिहेवियर एंड जेनेटिक मेकअप ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल अगर एक ही पेरेंट से जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनका जो ऑफ हैं तो उनके जेनेटिक मेकअप में डिफरेंस आएगा ही आएगा और इसे हम कहेंगे वेरिएशन सेकेंड हम बात करते हैं एक्वायर्ड वेरिएशन एक्वायर्ड यानी लेना एक्वायर करना ये कौन सी होती है ये जेनेटिक नहीं होती है, ये सोमेटिक वेरिएशन होती हैं जो भी इंसान जो भी इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम में जो भी एक्सपीरियंस लेता है या जो भी चीज़ें सीखता है उसे बोलते हैं एक्वायर्ड वेरिएशन्स एक्वायर्ड वेरिएशन इनहेरिटेड नहीं होते क्योंकि ये पीछे से नहीं आते और ये एक इंडिविजुअल की डेथ के साथ ही चले जाते हैं यानी कि बॉर्न हुआ इंडिविजुअल उसके बाद उसने अपने लाइफ टाइम में जो एक्सपीरियंसिस लिए उसके अकॉर्डिंग उसके नेचर में बिहेवियर में जो भी चेंज आए उसके बाद एट द टाइम डेथ वो उसके साथ ही चले जाएंगे डिफाइन एफ वन एंड एफ टू जनरेशन एफ वन एंड एफ टू जनरेशन के बारे में बात करते हैं एफ वन जनरेशन क्या है जब दो होमोजाइगस इंडिविजुअल होमोजाइगस इंडिविजुअल हमने अभी पढ़ा जो सिमिलर और आइडेंटिकल इन कैरेक्टर्स होते हैं उन उनके होमोजाइगस इंडिविजुअल के दो जेनेटिकली डिफरेंट हैं ये दोनों इंडिविजुअल उनका क्रॉस कराया जाता है और तब जो हाइब्रिड जनरेट होता है या जो प्रोड्यूस होता है हाईब्रिड उसको हम बोलते हैं एफ वन जनरेशन राइट दो होमोजोग इंडिविजुअल जो जेनेटिकली डिफरेंट है उनके क्रॉस से जो बनता है वो था एफ वन जनरेशन और एफ टू जनरेशन क्या होता है जब एफ़ वन जनरेशन में जो इंडिविजुअल है उनकी इं, इंटरब्रीडिंग होती है तो जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है वो होती है एफ टू जनरेशन डिफाइन द टर्म ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग किसी कहते हैं तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब दो गैमिट्स का फ्यूजन होता है उससे उस टाइम पर जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं ऑफ स्प्रिंग्स अब ऑफ स्प्रिंग्स का जीनोटाइप जो है वो डिफरेंट ही रहता है क्योंकि क्या होता है दोनों पेरेंट्स के जीन के क्रोमोसोम्स की शफलिंग uh, होती है उनके जीन्स की शफलिंग होती है तो इस वजह से जो ऑफ स्प्रिंग है उसका जीनोटाइप पेरेंट्स से कुछ डिफरेंट रहता है वॉट आर रेसिप्रोकल क्रॉसेस रेसिप्रोकल क्रॉसेस क्या होते हैं ये मेंटेलियन फैक्टर होते हैं जब होमोलोगस क्रोमोसोम क्रोमोसोम के सेम लोकस पर जब क्रॉस किया जाता है तो उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉसेस एंड ये क्या करता है किसी भी दोनों के सेम कैरेक्टर को सेम कैरेक्टर को ये कंट्रोल करता है आ, पहले क्या होता था एलिज को यूज किया जाता था उन फैक्टर्स के लिए जो अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते थे जैसे कि अगर हम पी के सीड कलर की बात करें तो कैपिटल वाई यूज किया जाता था येलो कलर के लिए स्मॉल वाई यूज किया जाता था ग्रीन कलर के लिए तो रेसिप्रोकल क्रॉसेस क्या हुए ये मेन्डेलियन फैक्टर ही हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर क्रॉस करके बनाए जाते हैं डिफाइन द टर्म मोनोहाइब्रिड क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये क्रॉस बनाया जाता है टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल पेयर ऑफ जीन्स या फिर कैरेक्टर यानी कि जब दो होमोजाइगस जीनोटाइप हैं वो कहाँ डिफरेंट है वो सिर्फ एक ही ट्रेट में एक ही कैरेक्टर में डिफरेंट है तो जो उसको स्टडी करने के लिए क्रॉस बनाया जाता है वो होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इसमें हम ये पता लगा देते हैं कि वो सिंगल ट्रेट में कौन सा डोमिनेंट है डोमिनेंट जीन है उस एली के लिए इसके लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाया जाता है सेकेंड इज वॉट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस कब बनाया जाता है जब दो इंडिविजुअल हैट्रोजाइगस हैं दो कैरेक्टर्स के लिए यानी कि टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ चीज दो पेयर के लिए या फिर दो कैरेक्टर्स जो हैं उनको स्टडी करने के लिए जब क्रॉस बनाया जाता है उसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस नेक्स्ट वन है मोनोहाइब्रिड रेशियो अब ये क्या होता है जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनाया जाता है उस टाइम जो रेशो ऑप्टेंड होती है एफ टू जनरेशन के टाइम पे जो रेशो बनती है उसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड रेशो यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बनाया और उस टाइम एफ टू जनरेशन से जो रेशो मिली उसे बोले कि मोनो हाइब्रिड रेशो और इसका रेशो क्या रहता है थ्री और वन नेक्स्ट है हमारा डाई हाइब्रिड रेशो ये डाई हाइब्रिड रेशो है ये कब बनाया जाता है पहले में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उस टाइम जनरेशन में जो रेशो अपटेंड होता है उसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड रेशो और ये क्या रहता है नाइन इस टू थ्री या फिर थ्री इज टू वन स्टेट मंडल ऑफ सेग्रीगेशन मंडल स्ल ऑफ सेग्रीगेशन क्या है द टू फैक्टर्स और एलीज़ ऑफ एन एलोमॉफिक पेयर एलोमॉफिक पेयर होता है जब एक क्रोमोसोम के सेम लोकस पर डिफरेंट या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले या ऑल्टरनेटिव कैरेक्टर्स वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं एलोमोफिक पेयर तो जब टू करेक्टर्स ऑफ एन एलो एलोमोफिक पेयर जब ये रेंडमली सेपरेट होते हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन तो इन दोनों के पास क्या रहता है प्रॉबेबिलिटी रहती है फ्यूज होने की दूसरे पेयर के साथ तो रेंडमली ये फ्यूज हो जाते हैं गैमिट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और इसको हम बोलते हैं मंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट मंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट मंडल्स ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट क्या होता है इसमें एक कैरेक्टर के जो दो फैक्टर्स हैं गैमिटोजेनेसिस के टाइम पे जो एक कैरेक्टर है वो बाकी दूसरे कैरेक्टर से सेपरेट हो जाएगा यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाएगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के टाइम अपने आप ही रैंडमली रीअरेंज हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट एसॉटमेंट नेक्स्ट इज वाई डिड मंडल चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स हाउ डिड ही मेक श्योर दैट द पेरेंट प्लाट्स और ट्रू ब्रीडिंग मंडल ने गार्डन पी को ही क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए और उसने श्योर कैसे किया कि पेरेंट प्लांट्स जो है वर्ड ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स है कैसे पता चला उसे तो हाँ, क्यों किया उसने सबसे पहले गार्डन पी पे ही अपना एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो ये कि नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं बट अगर हम किसी तरह से सेल्फ पॉलीनेशन को प्रिवेंट करें तो इन्हें इजीली क्रॉस पॉलिनेश भी पॉलीनेट भी कराया जा सकता है इसके बाद गार्डन पी की काफ़ी सारी ऐसी वेराइटीज हैं जिनमें अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं जैसे कि किसी का कि 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 सीड कोट स्मूथ होगा किसी का रिंकल्ड होगा उसके बाद एक बड़े छोटे से ड्यूरेशन में लार्ज नंबर ऑफ प्रोगेनी कैन बी प्रोड्यूस्ड इसके बाद इसके फ्लावर्स जो है वो इतन, इस, उनका साइज ऐसा है उनको एक्सपेरिमेंटेशन के लिए इजिली हैंडल किया जाता है और यही चारों रीजन थे जिसकी वजह से मंडल ने गार्डन पी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आ, उसको कैसे पता चला कि पेरेंट प्लांट्स वर ट्रू ब्रीडिंग तो पहला क्या था जब उसने पी प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया तो उसने काफी सारे सक्सेसिव जनरेशन तक इसे सेल्फ पॉलिनेट करते रहे कर करते रहे ताकि वो किसी भी ऐसी ऑफस्प्रिंग को एलिमिनेट ऐसी वैरायटी को एलिमिनेट कर सके जो कैरेक्टर से नहीं मिलता ठीक है उसके बाद उसने इंश्योर किया कि जो सीड्स की वेराइटीज प्रोड्यूस हो रही हैं वो उसी तरह की ही होनी चाहिए यानी कि बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट से बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए जैसे कि अगर हम वाइट फ्लावर प्लांट्स की बात करें तो उनके सीड्स से जो बन रहा है वो वाइट फ्लॉरिंग प्लांट्स ही बने आगे की जनरेशन में उनका कलर थोड़ा भी चेंज नहीं होना चाहिए उसने ये भी इंश्योर किया जब ये सब चीज़ें इंश्योर हो गई तो उसे पता चल गया कि ये जो पेरेंट्स ट्रू ब्रीडिंग है तो स्टूडेंट्स आगे के इंपॉर्टेंट uh, क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में थैंक यू